हम करना तो काम करें केजरीवाल की जो सोच है उसके आधार पर काम करें, लेकिन यहाँ आज पर तुम देख लो ना, यहाँ पे स्कूल की व्यवस्था है ना, सब कोई बात करता है। इंतकाल कर चुके हैं, यानी कि स्वर्गवास हो चुके हैं दुनिया से, उनके होट है और जो जिंदा उनके होट नहीं है। हमारे चैनल का कोई ऐसा मकसद नहीं है कि हम किसी से ये जाने कि उसने किसको वोट डाला है, वो उसकी मर्जी है कि वो खुद बता रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश बब्बर, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब ब्लॉग पर। आज मैं गाँव खुरद में हूँ, जो कि जनता रोड पर स्थित है। आज हमारे देश में लोकसभा चुनाव भी पड़ रहे हैं, तो हम भाई से बात करेंगे। और इनसे क्यों भाई, क्या नाम है आपका? श्याम सिंह। श्याम सिंह, श्याम सिंह कैसे हो भाई? ठीक है। अच्छा, वोट डाल दिया आपने? आज वोट डाल दिया। अच्छा, जब आप वोट डालने गए तो दिमाग में क्या था? हाँ, मतलब क्या सोच के डाला वो कि हाँ भाई कि क्या किसको देना वो? हमें आपसे ये नहीं जानना कि आपने किसको दिया वोट, वो आप अपने, वो आपका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि मुझे किसको देना वो? मोदी। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो क्या चल रहा है दिमाग में, कि क्या रीजन क्या है मोदी को देने का? मोदी कारण बड़े आदमी, अच्छे आदमी। अच्छा ठीक है, श्याम सिंह ने मोदी जी को वोट दिया है। गुंडागर्दी खत्म हुई जैसे? पर मुद्दा सबसे बड़ा महंगाई का ही था। अच्छा। महंगाई, बेरोजगारी। तो महंगाई है, बेरोजगारी है, काम धंधा नहीं है लोगों का, और एक हिंदू मुस्लिम का रखा है। इस मुद्दे पर डालने के ऐसी सरकार ना हो जो एकता बना कर रखे, भाईचारा रखे, उस मुद्दे पे हमने वोट डाला है। अरे वाह, पहली बार वोट डाला भाई, कैसा लगा आपको? तो आपके दिमाग में क्या क्या मुद्दे चल रहे थे? सुहेल, मुद्दे तो कुछ नहीं चल रहे थे। एक सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और शिक्षा के, शिक्षा को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, ये कदम बस, ये जो बेरोजगारी हो खत्म हो जाए। हमारा तो बहुत मंदा समाज जा रहा है, मतलब महंगाई भी महंगा रहा है, हर चीज़ हमें बहुत ज़्यादा महंगी पड़ रही है। अच्छा, महंगाई को लेकर आपने डाली वोट या विकास को लेकर? हमने विकास और महंगाई देख कर अपने हिसाब से सही काम किया। आपने यही बात है, यही बात है, दिमाग में भी यही था, ये 10 साल में जो तरक्की हुई है देश के लिए, उसको देखते मैं वोट डालने गया था। खेत में ही हूँ अभी, और ये आप डोल देखिए कितनी छोटी डोल है, और इस पे लोग, गांव के लोग कैसे चलते हैं। वहाँ आगे कुछ महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं। नमस्कार जी, कि जब आप वोट डालने गई थी जी, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि मैं महंगाई को देख के वोट देना मुझे, या सड़क बनी उसको देख के वोट देना, या किस बात, क्या बात थी आपके दिमाग में? अरे बस, हमने तो नोमा का बढ़िया सरकार होनी चाहिए, थोड़ा मजदूरी या कम हो रही, मजदूरी को मजदूरी मिलनी चाहिए, मेहनती को, महंगाई ज्यादा बढ़ रही। जब आप वोट देने के लिए गए तो दिमाग में क्या चल रहा था? बस यही चल रहा था बस। क्या खीरे वहाँ से तोड़ तोड़ के ला रहे हैं भाई, और यहाँ पे ये पानी में खीरे डाल रहा है, और आप देख सकते हैं पूरे पानी में खीरे खीरे पड़े हैं, और यहाँ से धुलने के बाद ये भाई यहाँ पे डाल रहा है, और यहाँ से एक खीरे पैक हो के पन्नियों में फिर ये मार्केट में जाएंगे। मैंने एक तो बिल ज्यादा हो अब है मारा, हम तो बहुत परेशान हो रहे बिल के वजह से, बिजली का बिल, बिजली का बिल। अच्छा अच्छा, एक महंगाई ज्यादा हो रही, हम मजदूरी कम है। अच्छा, 1 किलो सब्जी लेने जाएंगे 100 के नोट का पता लगता, बताओ इतनी महंगाई में। बच्चों की रोजगारी खत्म कर रखी इन्होंने, रोजगारी भी तो मिलनी चाहिए बच्चों को, हमने बच्चे पढ़ा लिखा रखे, कहे के लिए पढ़ा लिखा रखे, बच्चे पढ़ लिख कर भी घर फिर रहे। इस समय मैं सहारनपुर के जनता रोड पर स्थित गाँव जमालपुर में हूँ, और जमालपुर के कुछ ग्रामीण लोग हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। हसन जी, जब आप वोट डालने के लिए गए जी, तो आपके जहन में क्या चल रहा था? जहन में यही चल रहा था गठबंधन में देना। अच्छा, हाँ जी, मतलब गठबंधन में ही क्यों? बस जो फिलहाल सरकार चल रही है, क्या आप उसके काम से खुश नहीं है? बस खुशी नहीं है जी। अच्छा। कारोबार में बहुत, यही जो भाई साहब ने मेरे को बताया यही है बस। अच्छा, यही मजा है। हमारे यहाँ पोलिंग बहुत ही अच्छा हुआ है, और हर तरह से देखते हुए, यानी कि हमने हर मुद्दे अपने जो देखे हैं, भाई बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कहीं भी चले जाओ वहीं से भ्रष्टाचार, ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, भ्रष्टाचार आज भी जू का तू है, हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार ही खत्म हो। ठीक है, उस बेस पे हमने
अपना वोट दिया। चलिए, जिस संगठन को भी आपने वोट दिया, जी जी जी, अगर उसकी सरकार आती है, जी जी जी, तो क्या आपको विश्वास है कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? कोई कड़वा सवाल है। जी 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 जी, ये देखो तो सरकारों के हाथ में, उन्हें करना पड़ेगा। हम अपना वोट हमेशा सुभाषते पे, और जब तक भ्रष्टाचार नहीं होगा हम अपना वोट उसी को देते रहेंगे जो हमें लगा कि ये पार्टी हमारा समर्थन करेगी या हमारे लिए कुछ भी कर सकती है। एक विचार ही है, विचारधारा के आधार पर हम वोट करते हैं। अगर वो उस पर खरे उतरते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर अगली बार किसी और को देखेंगे। जो काम करता है उसे रहना चाहिए। अच्छा, सरकार जो काम करे मजदूरों के हित में भी और व्यापारी के हित में भी, तो सबको साथ लेकर चलने वाला काम करे तो उसकी वो सरकार चलेगी। आपका नाम? मैंने तो तब वोट भी डाला, अच्छा, जैसे अभी आपने वोट नहीं डाला तो आपके दिमाग में क्या है, अभी क्या मुद्दे चल रहे हैं आपके दिमाग में? मेरे दिमाग में यही मुद्दे चल रहे हैं, भ्रष्टाचार हटे और देश में सुख शांति आवे। अच्छा, सरकार कोई भी आवे, देश में सुख शांति हो या भ्रष्टाचार खत्म हो, चोर बाजारी खत्म हो। ठीक, शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, वोट डाल दिया? नहीं, वोट आया नहीं, कट रहे हैं बहुत, वोट कटे हुए वोट जी बहुत है। अच्छा जी जी, देखिए ये भी शिकायत है कि वोट कटे हुए यहाँ पर कुछ ग्रामीणों के। जी, काफी वोट कटे हुए सर। कितने? लगभग लगभग सभी समाज के यहाँ से हमने देखे हैं कि 20% वोट कटा हुआ है पूरे गांव का। जी, और जो इंतकाल कर चुके हैं यानी कि स्वर्गवास हो चुके हैं दुनिया से, उनके वोट है, और जो जिंदा उनके वोट नहीं है। अच्छा, तो जैसे यहाँ पे बीएलओ आता था, जी जी, तो आपने बीएलओ को बताया? पता नहीं कैसे, जिसके किसी का नाम के आगे यानी कि मिसेज का नाम पूछे, कार्ड में पूछे, उनके नाम चेंजिंग कर रखे हैं, बताओ। स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग, हाँ, नाम ही मिस्टेकिंग है, यानी कि नाम तो उनका कुछ और है, नाम चढ़ा दिया, हाँ, कुछ पति का नाम सही कर दिया, आधार कार्ड में कुछ है और वोटर में कुछ है, तो वोट नहीं गिर पा रही इस हिसाब से। ये भी वोट ढूंढ रहे हैं अपना, अभी तक इन्होंने वोट नहीं डाला और अभी तक लिस्ट में मिला का नाम, इनका कहीं भी वोट नहीं मिल पा रहा। मैं गांव का दूसरे गांव से भाग आया, मेरी बीवी का यहाँ से मिल गया, मेरी घरवाली का तो यहाँ से मिल गया, वो और मेरा मिला ही नहीं अभी तक। तो आप देख सकते हैं ये ऐसी ऐसी समस्याएं आ रही हैं कि इनकी पत्नी का वोट तो है, लेकिन शकील जी यहाँ आसपास के चार गांव हैं, वहाँ भी लिस्टों में चेक करके आए, लेकिन कहीं भी इनका वोट नहीं मिला। किन मुद्दों को लेकर दिया आपने वोट? जी, सरकार अच्छी चल रही है सर। अच्छा, सरकार बढ़िया काम कर रही है? बढ़िया काम चल रहा है हमारे यहाँ। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दे क्या थे? मुद्दे है कि सर देखो, ऐसी बात नहीं है, बीजेपी सरकार बहुत अच्छी सरकार है, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर निकल जाओ, रोड है, सब चीज़ बढ़िया है, और देखो महंगाई तो सबके लिए, ऐसी बात नहीं। मैं फिलहाल अभी गाँव गोकलपुर में हूँ। अच्छा भाई, आप सभी ने वोट कर दिया? जी। अच्छा, आपने किन किन मुद्दों को लेकर वोट किया है? जी, हमने इन दो वोट दिया है, हमारा विकास सही हो जा, हमारा नदी का पुल है जो है बहुत नीचा पुल है, पुल बनना चाहिए हमारा। अच्छा जी, सबसे मेन चीज़ तो ये थी, जो बेरोजगारी हो रही है ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर, जो खत्म होनी चाहिए, और जो जात पात के मुद्दे हैं सारे खत्म होने चाहिए, जैसे हिंदू मुस्लिम का चल रहा ना टाइम फिलहाल, ये सब खत्म होने चाहिए। उसके बाद ही हमारे गाँव में एक स्कूल की सबसे बड़ी समस्या है, स्कूल नहीं हमारे गाँव के अंदर कोई है। अच्छा, और दूसरी आप जहाँ को आए होंगे, नदी का पुल है जी, ये नदी का पुल है ना, जब भी बारिश होती है थोड़ी सी बारिश हो गाँव में अंदर पानी जाता है, सबसे बड़ी समस्या हमारी है। अच्छा जी, इन मुद्दों को देखते हमने इस बार वोट दिया। सर, मुद्दे तो यही थे कि हमारे यहाँ जो देश में हिंदू मुस्लिम हो रखा है, उसके सेकुलरिज्म के बेस पे जो गठबंधन हमारा चल रहा है ना, कि हिंदू मुस्लिम खत्म हो और सेकुलरिज्म पे वोट दिया हमने अपना, और विकास हो हमारे यहाँ गाँव में जो पुल वाली समस्या सबसे बड़ी हुई है, और ही बहुत समस्याएं, जैसे हमारे यहाँ टंकी आई थी, इसको जो है खुदवा गिर दिया, इसका काम अधूरा पड़ा है लगभग, ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है, बारिश हो गई तो वरना तुम यहाँ आ भी नहीं सकोगे, धूल इतनी हो जाती है यहाँ पर सर। अच्छा, लाइट कैसी आती? लाइट भी सर आती तो ठीक है, पर सर जब भाग देखो, अभी हल्की सी हवा चली है, लाइट गायब है 3 घंटे से। अच्छा, और उस पर जिस टाइम देखो उस टाइम लाइट भगा देते हैं, फिक्स कोई लाइट नहीं, कहते हैं कि 22 घंटे लाइट देते हैं, मुश्किल तो 15-16 घंटे लाइट आती है। ठीक, डालने से पहले जी, आपके जहन में क्या क्या मुद्दे आए? महंगाई है, भ्रष्टाचारी है, किसानों का मुद्दा है, जो किसान है हमारे, जो किसान थे जो दिल्ली में डेरा डालने पड़े थे, 750 किसान जो शहीद हो गए, एक वो मसला है, बेरोजगारी का मसला है, अभी पेपर लीक हुए हैं। बस ये जो भाई साहब ने बताया इन्होंने। अच्छा, बेरोजगारी और पेपर लीक, किसानों का मामला, बस ये।
जी आपका नाम? नसीम अहमद। नसीम जी, जी मुद्दे क्या थे वोट डालने के? मुद्दे तो जो है नहीं, महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो है बिजली देखो कितनी जो है महंगी है और बाकी जो है नहीं बहुत सस्ती है। नहीं लेकिन मैंने सुना है कि किसानों के लिए तो कुछ यूनिट, किसानों के लिए भी उन्होंने कहा है, देखो होता है नहीं होता भी क्या पता, धरातल पर आवा ना आवे वो बोलते तो क्या। हाँ अच्छा, और सरकार है देखो स्टेट की तो 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है डाटा से 300 यूनिट, और यहाँ से जो है नहीं 4-4, 5-5 रुपए यूनिट वसूल करा जा रहा है, 3-3 हजार रुपए का एक बिल आता है महीने का। आप किसान है? हाँ किसान है। अच्छा अच्छा जी, बाकी जो है नहीं MSP पे फसल नहीं बिक पाती है, MSP का सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों का, ये सारे मुद्दे ही हैं। और परिवर्तन जो है होना चाहिए, परिवर्तन चाह रही है सरकार, मतलब जो है जनता परिवर्तन चाह रही है, परिवर्तन बदलाव आना चाहिए। मैं भी एक किसान ही, मेरा भी काश्तकारी के प्रति ही मुद्दा है, जैसे काश्तकारों को ऋण मिलता है वो बिना ब्याज के सरकार को मुहैया कराना चाहिए, और जो और बाकी जो तो वो सब कुछ ठीक सही है, कोई ऐसी बात नहीं, सब ठीक चल रहा। कोई सरकार से शिकायत नहीं? फिलहाल कोई शिकायत नहीं, लेकिन ये है कि भाई चलो परिवर्तन थोड़ा बहुत हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं सही, बट ठीक है जैसा चल रहा ठीक है। जो राजनीतिक उठा पटक कभी चल रही है उसके बारे में, क्योंकि आप ही राजनीति से, जो प्रधान लोग होते हैं वो भी कहीं ना कहीं राजनीति से टच रहते हैं। तो राजनीति में सबसे मेन चीज़ है कि जो भाईचारा आपस में हिंदू मुसलमान का जो मामला है ना, इसमें इतनी नफरत इस पार्टी ने डाल दी, BJP सरकार ने और इनके नेताओं ने, कि हमारे जो देखो हमारे संबंध है व्यक्तिगत हर समुदाय से है, वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, लेकिन नफरत सही नहीं है। किसी एक समुदाय से किसी की दुकान नहीं चलती चाहे वो कोई भी हो। मैं तो ये कहूँगी नफरत को इतनी ना बढ़ाओ कि आपस में बैठना उठना बंद हो जाए, प्यार मोहब्बत से रहो। और क्या था जो हमारे मुद्दे हैं, मेन मुद्दे हैं जैसे रोजगार है, युवाओं को रोजगार दो अभी तो मेन चीज़, उस पर बात करो। अब उन पर कोई बात नहीं करता है, हिंदू मुसलमान इसके अलावा कोई बात नहीं होती है। तो यही बात थी कि इसे पीछे रखा जा और जो मेन मुद्दे हैं उन पर ध्यान दिया जाए। अच्छा, महंगाई है, महंगाई का मुद्दा है आपकी नज़र में कोई? बिल्कुल है। अच्छा। किसान आज भी वहीं खड़ा जहां से 10 साल पहले खड़ा था, वहीं आज खड़ा। क्या हमारे नहीं, हमारे बच्चे नहीं है, उन्हें अच्छी सुविधाएं चाहिए, लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, किसी कोई फोकस नहीं है। सोना आज भी 70,000 रुपये चला गया, 70,000 प्लस है। अगर इन्हें काम करना तो काम करे, केजरीवाल की जो सोच है उसके आधार पर काम करे। हमारा गांव है सहारनपुर से 7 किलोमीटर, घंटा करे 7 किलोमीटर की दूरी बैठती है इसकी, लेकिन यहाँ आज तुम देख लो ना, यहाँ कोई स्कूल की व्यवस्था है ना, उसको कोई बात करता है। विकास के मामले में एक हमारी नदी है डमोल नदी, इसके पुल की हालत जर्जर हालत है, बच्चे जा नहीं सकते 10-10 दिन स्कूल, 5-5 किलोमीटर बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, उनके साथ रास्ते में कोई घटना घट जा तो कोई ध्यान नहीं। हमने कई बार कहा भी, हमारे हजी फिल रहमान जी थे उन्हें भी काम है, लेकिन तो कोई ध्यान नहीं होता। सबने अलग अलग विचार रखे हैं, लेकिन ये कि समस्याएं अभी बहुत हैं गांव में और शहरों में भी, अभी सरकारों को सोचना है कि उन समस्याओं को कैसे दूर किया जाए। मैं यहाँ भोकलपुर में ही हूँ और मैं तो चुनाव के बाद लोगों के विचार जानने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे शादी ब्याज मंडा है, ये एक दूध का गिलास है और भाई ये 2 सफ़ेद रसगुल्ले, तो आप भी आ जाइए मेरे साथ दावत खाइए, गाँव में शादी भी होती है। अभी दाल चावल भी आएंगे हमारे सामने, वो भी हम आपको दिखाएंगे। मुझे बहुत खुशी है कि मैं मंडे के दावत खा रहा हूँ और दावत के रूप में मेरे सामने जो है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस समय मंडे में हूँ और गांव गोकलपुर में, मेरे सामने मंडे के दाल चावल, मंडे में अक्सर गांव में दाल चावल ही बनते हैं और मंडे की दावत दाल चावल जो होते हैं उनका अलग ही टेस्ट होता है, तो मुझे बढ़िया लगा देखूं, वैसे तो बढ़िया ही बनते होंगे, मैं खा के देख लेता हूँ। वाह यार बहुत बढ़िया, एकदम टेस्टी बने हुए हैं। और ये देखे जिसमें इन्होंने दाल बनाई है, ये देखिए दाल है इसमें। आज मैंने आपको अपनी परंपरा दिखाने का प्रयास किया कि कैसे हमारे यहाँ दाल बनती है, क्या क्या बर्तन उसमें प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि शहर में तो क्या है कि जो परंपरा थी वो सब खत्म होती जा रही है धीरे धीरे,
गांव में अभी ये परंपराएं अभी थोड़ी सी बची हुई हैं। और एक चीज मैं आपको और दिखाऊंगा, आप देख रहे हैं ये कुंडी है और इसमें चावल बनते हैं, एक बार में कम से कम 10 से 15 किलो इसमें चावल बन जाते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए या व्लॉग पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और किसी ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर पैकर करके आपसे निवेदन है भाई, मैं बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। अभी रात के 9:30-10 का टाइम हुआ है और मैं अभी गांव में हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।